नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम स्टोरी नए एपिसोड। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के सोहागपुर के राजेंद्र वार्ड के रहने वाले सत्येंद्र शर्मा की दो बेटियां लीना और हेमा थीं। 40 साल की हेमा और 38 साल की लीना शर्मा के पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। लीना की मां भी दो बहनें थीं। लीना के नाना दो भाई थे। एक भाई का बेटा प्रदीप शर्मा कांग्रेस का नेता था। लीना के नाना नानी की मौत के बाद ननिहाल की संपत्ति की वारिस लीना की माँ और मौसी ही बची थी। लीना के मौसा की बहुत पहले मौत हो गई थी और उनकी कोई संतान न होने से उनकी देखभाल भी लीना ने की थी। इसी वजह से ननिहाल की 36 एकड़ जमीन की वारिस लीना और हेमा ही थीं। ये बात नाना के भाई के बेटे प्रदीप को बहुत अखरती थी। वक्त के साथ हेमा की शादी कर्नाटक के बेंगलुरु में रहने वाले साइंटिस्ट से हो गई और दिल्ली में पढ़ी लिखी लीना अमेरिकी दूतावास में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्य करने लगी। लीना दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में रहती थी। होशंगाबाद के सोहागपुर के पास डूडादेह गांव में उसकी करोड़ों रुपए की पुश्तैनी जमीन थी जिस पर खेती होती थी। गांव में देखरेख के अभाव में करीब 10 एकड़ 41 डिसमिल जमीन पर उसके मामा प्रदीप शर्मा तत्कालीन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने कब्जा कर रखा था। पुश्तैनी जमीन की देखरेख करने वाले बटाईदार फोन पर इसकी जानकारी समय समय पर लीना को देते रहते थे। 2016 के अप्रैल महीने की बात है, दोनों बहनें लीना और हेमा सोहागपुर आई हुई थीं। लीना शर्मा ने अपनी बहन हेमा से कहा, दीदी प्रदीप मामा हर साल अपनी जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं, यदि हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो पूरी जमीन हड़प लेंगे। हाँ लीना, मामा को तो लगता है कि अब हम गांव जाकर खेती करने से रहे तो इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। तुम्हारे जीजाजी को तो छुट्टी मिल नहीं रही, तुम ही एक बार गांव घूमकर आ जाओ, हेमा ने सलाह देते हुए कहा। हाँ दीदी, मैं जाकर मामा से बात करती हूँ और जमीन की हदबंदी कराती हूँ, लीना बोली। 20 अप्रैल को लीना ने सोहागपुर तहसील में पटवारी और राजस्व निरीक्षक RI को जमीन की पैमाइश करने की दरख्वास्त दे दी। 24 अप्रैल को तहसील के पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने जब खेत की पैमाइश की तो करीब 10 एकड़ 41 डिसमिल जमीन प्रदीप शर्मा के कब्जे में थी। मौके पर पंचनामा बनाकर हदबंदी के लिए गड्ढा खोदकर निशान बनाए गए। लीना ने सीमांकन कराकर मामा के कब्जे से जमीन को मुक्त करा लिया। वह चाहती थी कि अपने कब्जे की जमीन पर तारबंदी करा दे ताकि दोबारा कोई कब्जा न कर सके। तारबंदी कराने के लिए उसने प्रताप कुशवाहा से बात की। 29 अप्रैल 2016 की सुबह 9 बजे लीना शर्मा सोहागपुर से ऑटो रिक्शा लेकर अपने ननिहाल डूडादेह गाँव में प्रताप कुशवाहा उसके कर्मचारी गंगाराम और तुलाराम के साथ मौके पर पहुंच गई। मामा प्रदीप शर्मा ने उन्हें तारबंदी कराने से रोकते हुए कहा, लीना मैं भी अपनी जमीन की तारबंदी कराने वाला हूं, तुम परेशान मत हो, मैं दोनों की एक साथ ही करा दूंगा। जब लीना ने मामा की बात नहीं मानी तो प्रदीप शर्मा लीना के साथ आए कर्मचारियों को भला बुरा कहने लगा। प्रताप कुशवाहा एन गंगाराम और तुलाराम प्रदीप शर्मा के तेवर देखकर तारबंदी का सामान वहीं खेत के पास रहने वाले डैनियल प्रकाश के घर पर छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। 5 मई 2016 को सोहागपुर पुलिस स्टेशन में प्रदीप शर्मा ने गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। प्रदीप ने तत्कालीन TI राजेंद्र वर्मन को बताया, 38 वर्ष की मेरी भांजी लीना शर्मा दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करती है। लीना 28 अप्रैल 2016 को गांव डूडादेह मुझसे मिलने आई थी। उसी दिन मुझसे मिलकर वह जबलपुर जाने को कहकर निकली थी। जब 29 अप्रैल को मैंने उसे कॉल किया तो उसका मोबाइल बंद आता रहा। मैं लगातार लीना से संपर्क करता रहा लेकिन अब तक उसकी कोई खोजखबर नहीं मिली। मामला क्योंकि अमेरिकी दूतावास की कर्मचारी से जुड़ा था, लिहाजा TI राजेंद्र वर्मा ने लीना की गुमशुदगी के मामले को गंभीरता से लेते हुए गुमशुदगी दर्ज होने के बाद लीना के मोबाइल नंबर को ट्रेस कराने की कोशिश की तो उसकी लोकेशन पिपरिया की मिली। सोहागपुर पुलिस टीम ने पिपरिया जाकर लोकेशन ट्रेस कर एक युवक अमन वर्मा परिवर्तित नाम के पास से लीना का मोबाइल जब्त कर लिया। अमन ने पूछताछ में पुलिस को बताया, मुझे यह मोबाइल भोपाल इटारसी बिना विंध्याचल एक्सप्रेस ट्रेन में मिला था, मैंने इसे चुराया नहीं है। पुलिस ने पिपरिया से मिले लीना के मोबाइल की जब कॉल डिटेल्स निकाली तो पहली बार पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। कॉल डिटेल्स में मिले आखिरी नंबर पर पुलिस ने फोन किया तो यह नंबर किसी ऑटो रिक्शा चालक का नंबर निकला।
ऑटो वाले ने पुलिस को बताया कि उसने खुद अपने ऑटो से 29 अप्रैल की सुबह लीना शर्मा को डूडादे गांव में खेत के पास छोड़ा था। सोहागपुर पुलिस ने इस विरोधाभास को नोट किया कि 5 मई 2016 को उसके मामा प्रदीप शर्मा ने सोहागपुर थाने में लीना के गायब होने की जो गुमशुदगी दर्ज कराई उसमें 28 अप्रैल की सुबह 9 बजे से उसके लापता होने की बात कही थी, जबकि ऑटो चालक 29 अप्रैल को सुबह लीना को गांव छोड़कर आने की बात कह रहा था। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि आखिर लीना के मामा ने उसके गांव में आने को लेकर झूठ क्यों बोला। प्रदीप शर्मा की तरह ही उसके दो नौकर गोरेलाल मस्कोले और राजेंद्र कुमरे के बयान में भी विरोधाभास था। यहीं से पुलिस का शक मामा पर गहराने लगा, लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा था। प्रदीप शर्मा कांग्रेस का ताकतवर नेता था, इसलिए पुलिस उस पर बिना सबूत हाथ डालने से कतरा रही थी। लीना शर्मा की हत्या एक राज ही बनकर रह जाती अगर उसके दोस्त उसे नहीं ढूंढते। जब लीना शर्मा तयशुदा वक्त पर नहीं लौटी और उसका मोबाइल फोन बंद रहने लगा, तो भोपाल में रह रही उसकी सहेली रितु शुक्ला ने उसकी गुमशुदगी की खबर पुलिस कंट्रोल रूम में दी। लीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट न तो उनकी बहन हेमा मिश्रा ने दर्ज कराई और न ही अन्य परिजनों ने। उनकी सहेली रितु शुक्ला, क्लासमेट शादबिल औसादी आदि ने पुलिस और मीडिया तक गुम होने की खबर व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से पहुंचाई थी। लीना के लापता होने से उसके दोस्तों ने सोशल साइट फेसबुक पर सेव लीना नाम से एक कैंपेन भी चलाया, जिसे अच्छा खासा समर्थन मिल रहा था। लीना के दोस्त इस अभियान के जरिए पुलिस पर लीना की तलाश के लिए दबाव बना रहे थे। पुलिस पर इस मामले को सुलझाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। स्टेट ही नहीं, नेशनल मीडिया में भी लीना के लापता होने या फिर उसकी हत्या की खबर छाई हुई थी, लेकिन आरोपी प्रदीप शर्मा के राजनीतिक प्रभाव की वजह से कोई भी उसके खिलाफ बयान देने को तैयार नहीं था। एक तरफ पुलिस लीना की तलाश में जुटी थी, वहीं भोपाल और दिल्ली से लीना के दोस्त पुलिस को लगातार फोन कर रहे थे। लीना के कुछ दोस्तों ने ही पुलिस को बताया कि लीना का अपने मामा के साथ जमीन का विवाद चल रहा है, हो सकता है कि उसके गायब होने में उनका हाथ हो, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। उस समय होशंगाबाद के तत्कालीन एसपी आशुतोष सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सोहागपुर पुलिस को लीना की खोज करने के निर्देश दिए थे। सोहागपुर पुलिस ने जब प्रदीप शर्मा से संपर्क किया तो वह घबरा गया और पुलिस को गुमराह करने के इरादे से उसने भांजी के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई थी। देर से रिपोर्ट लिखाए जाने से प्रदीप शर्मा शक के दायरे में आया और जमीन के झगड़े की बात सामने आई तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। एक झूठ ने पुलिस को हथियारों तक पहुंचाया। पुलिस को जब ये जानकारी मिली कि लीना शर्मा और उसके मामा प्रदीप के बीच तारबंदी को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद तारबंदी नहीं हुई तो पुलिस ने लीना के साथ गए तारबंदी करने वालों से सख्ती से पूछताछ की, तब उसकी हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने प्रदीप शर्मा के दो नौकरों गोरेलाल और राजेंद्र को 13 मई 2016 की शाम को पूछताछ के लिए पुलिस ने उठाया तो उनसे अलग अलग पूछताछ शुरू की। पहले तो वह भी पूरी घटना से अनजान होने का नाटक करते रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने दोनों जल्दी ही टूट गए। उन्होंने 2 घंटे में राज उगल दिया। पुलिस को दोनों ने बताया कि मामा प्रदीप शर्मा ने ही लीना की हत्या को अंजाम दिया है, हम दोनों तो बस उनका सहयोग कर रहे थे। जिसके बाद सोहागपुर ब्लॉक कांग्रेस प्रमुख प्रदीप शर्मा भोपाल भाग गया। भोपाल पुलिस की मदद से प्रदीप को सोहागपुर लौटने के लिए मजबूर किया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया तो उसने लीना के डूडादे गांव पहुंचने से लेकर उसकी हत्या करने और शव को ठिकाने लगाने की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। इस कहानी को जिसने भी सुना उसने कलियुगी कंस मामा प्रदीप को जी भर कर कोसा। 29 अप्रैल 2016 को जब लीना अपने साथ सोहागपुर से ही तारबंदी का सामान लेकर प्रताप कुशवाहा और दूसरे लोगों के साथ अपने खेत पर पहुंची, तो तारबंदी करने को लेकर उसका मामा प्रदीप से विवाद इतना बड़ा कि प्रदीप ने लीना के साथ आए लोगों को ये कहकर वहां से खदेड़ दिया कि ये हमारा आपस का मामला है, हम दोनों निपटा लेंगे। लीना के साथ आए लोगों के वहां से जाने के बाद प्रदीप शर्मा उसे अपने खेत पर बने घर पर ले गया। वहां पहुंचकर प्रदीप ने लीना के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। तभी प्रदीप के नौकर गोरेलाल राजेंद्र ने उसके सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। सिर में गहरी चोट लगने से वह जमीन पर गिर गई और थोड़ी देर तक तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। लीना की मौत के बाद प्रदीप ने दोनों नौकरों से कहा, जाओ जल्दी से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आओ, लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा।
जी मालिक, अभी लाते हैं। मगर किसी ने देख लिया तो सीधे जेल ही जाएंगे। गोरेलाल डर के मारे बोला, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा मालिक? राजेंद्र ने भी आशंका व्यक्त करते हुए कहा, डरने की बात नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाओ और लाश ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। आज के बाद किसी से इस बात की चर्चा भी नहीं करना, प्रदीप शर्मा ने दोनों को भरोसा दिलाते हुए कहा। प्रदीप शर्मा के कहने पर गोरेलाल और राजेंद्र कुछ ही देर में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ गए। तीनों ने मिलकर लीना की लाश को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा और उसके ऊपर घास फूस रख कर नौकरों के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कामती के जंगल में पहुंच गए। वहां बरसाती नाले में सबसे पहले गोरेलाल और राजेंद्र ने गड्ढा खोदा और उस गड्ढा में नमक और यूरिया खाद डाल दी। बाद में लीना के शरीर के कपड़े उतार कर उसे दफना दिया। 14 मई 2016 को प्रदीप शर्मा की निशानदेही पर पुलिस टीम ने और तहसीलदार की मौजूदगी में नगरपालिका के कर्मचारियों के सहयोग से लीना की लाश निकाली। शव पर मिले टैटू और ब्रेसलेट से लीना शर्मा की बहन हेमा शर्मा ने शिनाख्त की। बाद में लीना शर्मा के सैंपल से हेमा शर्मा का DNA भी मैच कराया गया। प्रदीप ने लीना के कपड़ों में मिले पस से वसीयतनामा निकालकर उसकी जीन्स पैंट और पस को अपने घर के पीछे खेत की मेड़ पर जला दिया था, जबकि वसीयतनामा को अपने पास रख लिया था। 14 मई को जिस तरह की हालत में लीना का शव मिला था, उससे दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही थी। इस वजह से 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। शव 15 दिन पुराना होने से बुरी तरह सड़ चुका था। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो डॉक्टरों ने सिर में गहरी चोट से फ्रैक्चर होना और उसी वजह से मौत होने की बात कही थी। पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टरों ने दुष्कर्म जैसी घटना की आशंका को देखते हुए वेजाइनल स्लाइड भी बनाए। सभी नमूनों की जांच सागर फोरेंसिक लेबोरेटरीज में कराई गई थी। पोस्टमार्टम के बाद 15 मई 2016 को लीना की बहन हेमा और बहनोई ने सुहागपुर आकर लीना का अंतिम संस्कार किया था। पुलिस की दिन भर हुई पूछताछ में प्रदीप ने कई राज उगले थे। उसने बताया कि लीना की मौत सिर में चोट लगने से नहीं बल्कि पत्थरों से कुचलने और गला दबाने से हुई थी। 2015 में आए अजय देवगन की फिल्म दृश्यम की कहानी से इस मामले की कहानी मिलती जुलती है। लीना के हत्यारों ने भी उसके 2 सेलफोन में से एक को घटनास्थल से करीब 30 किलोमीटर दूर पिपरिया होशंगाबाद रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया था, ताकि पुलिस उसकी लोकेशन को लेकर भ्रमित होती रहे। इत्तेफाक से यह मोबाइल जिस यात्री को मिला उसने सिम कार्ड फेंकने के बाद मोबाइल फोन अपने पास रख लिया। बाद में 5 मई को पिपरिया में एक व्यक्ति को यह सिम मिला तो उसने इसे दूसरे फोन सेट में डाला। जब लीना के दोस्त का फोन कॉल आया तो उसने लीना के साथ कुछ गलत होने के बारे में उसे सतर्क कर दिया गया। इसी मोबाइल की कॉल डिटेल से पूरे मामले की कड़ियां जुड़ती गईं और लापता होने के 15वें दिन पुलिस ने SDM तहसीलदार की उपस्थिति में आई धाक खुदवाकर लीना की लाश को निकलवाया। प्रदीप ने पुलिस के सामने ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि उसके आदमियों ने लीना पर रॉड और पत्थरों से हमला किया था, क्योंकि लीना ने 29 अप्रैल 2016 को भूमि विवाद को लेकर उस पर हमला किया था। लेकिन होशंगाबाद अब नर्मदापुरम पुलिस की जांच से पता चला कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी। लीना के प्रदीप पर हमला करने के कोई निशान नहीं मिले थे। जिस तरह से लीना के सामान को नष्ट कर दिया गया और उसके शरीर को कामती जंगल डूडादेह गांव से 4 किलोमीटर दूर में फेंक दिया गया और उसके सेलफोन को ट्रेन में फेंकने का प्रयास किया गया, उससे पता चलता है कि हत्या पूर्व नियोजित थी। इसके अलावा हत्या के सबूत नष्ट करने के लिए दफनाने से पहले उसके शरीर पर यूरिया और नमक छिड़कने की हरकत भी इस ओर इशारा करती है कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी। लीना शर्मा की लाश काफी सड़ चुकी थी। उसकी पहचान कराने के लिए बहन हेमा शर्मा का भोपाल में DNA टेस्ट कराया था। DNA रिपोर्ट से लीना के शव की पहचान हुई थी। हत्या के खुलासे के बाद लीना के मामा प्रदीप शर्मा, नौकर गोरेलाल, राजेंद्र को हत्या के आरोप में सुहागपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में चलान पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। प्रदीप शर्मा के परिवार के लोगों ने जमानत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, जबकि लीना की तरफ से कोई पहल नहीं हुई थी। यही वजह रही कि प्रदीप शर्मा के घर वाले कोर्ट कचहरी में पानी की तरह पैसा बहा रहे थे और उनकी कोशिश कामयाब भी रही। 1 साल के अंदर ही तीनों आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई। लीना की हत्या के 9 महीने बाद 22 फरवरी 2017 को प्रदीप शर्मा को कोर्ट ने जमानत दे दी। इसी तरह 11 महीने बाद 1 अप्रैल 2017 को गोरेलाल और राजेंद्र भी जमानत पर बाहर आ गए।
21 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम पुराना नाम होशंगाबाद जिले के सोहागपुर कोर्ट में सुबह से ही ज्यादा गहमागहमी थी। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात था। मीडिया और वकीलों के अलावा लोगों की भीड़ भी ज्यादा दिखाई दे रही थी। दरअसल इस दिन जिले के बहुचर्चित लीना शर्मा मर्डर केस का फैसला आने वाला था। फैसले के लिए अपराहन 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। सोहागपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष सैनी की अदालत में दोनों पक्षों से जुड़े लोग बेसब्री से जज साहब के आने का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट लीना शर्मा की हत्या के आरोपी प्रदीप शर्मा, गोरेलाल और राजेंद्र भी कोर्ट रूम में अपने वकील के साथ उपस्थित थे। लीना शर्मा की तरफ से पैरवी कर रहे अपर लोग अभियोजक शंकरलाल मालवीय भी कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे। कोर्ट की घड़ी में जैसे ही दोपहर 3 बजे का अलार्म बजा तो सभी चौकन्ने हो गए। कुछ ही क्षणों में मजिस्ट्रेट संतोष सैनी ने कोर्ट रूम में प्रवेश किया तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। मजिस्ट्रेट ने सभी को अपने स्थान पर बैठने का निर्देश दिया और अपनी नजरें डाइस पर रखे कागजों पर केंद्रित कर ली। ऑर्डर, जैसे ही अपर सत्र न्यायाधीश संतोष सैनी ने लकड़ी के हथौड़े को मेज पर थोका तो सभी की निगाहें उनकी तरफ केंद्रित हो गईं। जज साहब ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मृतका लीना के मामा प्रदीप शर्मा ने अपनी भांजी की जमीन हड़पने के लिए अपने घरेलू नौकरों के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। लीना शर्मा की हत्या का दोषी पाते हुए हत्या एवं षड्यंत्र की धारा 302 में प्रदीप शर्मा पुत्र जुगल किशोर शर्मा 63 वर्ष निवासी डूडादेह सोहागपुर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाती है। इसके साथ ही IPC की धारा 201 लाश छिपाने में 7 वर्ष की सजा एवं ₹5,000 जुर्माना, IPC की धारा 404 मृत व्यक्ति की संपत्ति का बेईमानी से गबन में 3 वर्ष की सजा एवं ₹5,000 के जुर्माने से दंडित करती है। वहीं इस केस में प्रदीप शर्मा का साथ देने वाले अन्य आरोपियों गोरेलाल मस्कोले पुत्र मंगलू उम्र 32 वर्ष निवासी सितिया गोहना और राजेंद्र कुमरे पुत्र अरविंद कुमरे उम्र 27 वर्ष निवासी डूडादेह को भी लीना की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं ₹10,000 जुर्माना, धारा 120 BIPC अपराध की साजिश रचने में आजीवन कारावास एवं ₹10,000 जुर्माने सहित धारा 201 में 7 वर्ष की सजा एवं ₹5,000 के जुर्माने की सजा सुनाती है। 64 गवाहों की गवाही और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में सोहागपुर कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, उसके नौकर गोरेलाल 32 साल और राजेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अपने 110 पेज के फैसले में दलील देते हुए कहा, वारदात जरूर निर्मम है लेकिन उक्त परिस्थिति मृत्युदंड दिए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह अपराध पारंपरिक पारिवारिक संबंधों पर आधारित सामाजिक ताने बाने पर विपरीत प्रभाव डालने वाला है। प्रदीप शर्मा, गोरेलाल, राजेंद्र का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दोबारा ऐसे कोई अपराध करने की संभावना भी नहीं है। अभियुक्त समाज के लिए खतरा है ऐसा भी प्रतीत नहीं होता। इस कारण ये केस विरल से विरलतम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता है जहां मृत्युदंड फांसी अपेक्षित हो। अपने फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा, लीना शर्मा की भूमि को प्रदीप शर्मा ने अपने उपयोग के लिए रख लिया है। इसे लीना शर्मा के वैध उत्तराधिकारी को देने का आदेश भी यह अदालत देती है। फैसला सुनते ही शासकीय अपर लोक अभियोजक शंकरलाल मालवीय के साथ लीना शर्मा के परिवार से जुड़े लोगों के चेहरों पर एक विजयी मुस्कान आ गई। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आए कोर्ट के फैसले से उन्हें संतोष हो जाता है कि आखिरकार लीना के हत्यारों को सजा मिल ही गई। 21 मार्च 2023 को कोर्ट का फैसला आते ही कोर्ट रूम में मौजूद सोहागपुर पुलिस ने प्रदीप शर्मा, गोरेलाल और राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और उप जेल पिपरिया भेज दिया गया। जिस जमीन पर कब्जे के लिए लीना ने जान गंवाई उस पर मामा प्रदीप शर्मा का कब्जा आज भी कायम है। उस पर प्रदीप शर्मा के घर परिवार के लोग फसल उगा रहे हैं। लीना शर्मा की बहन हेमा मिश्रा, जो अपने पति के साथ कर्नाटक के बेंगलुरु में ही रहती है,